हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल रितु एनसीईआरटी क्लासेस। बच्चों, आज हम लोगों के सामने कुछ नंबर्स दिए गए हैं। इन नंबर्स को हमें रोमन नंबर में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? रोमन नंबर्स में चेंज करना है, ठीक। तो जो रोमन नंबर का जो फुल कॉन्सेप्ट है वो आपको पिछली वीडियो में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो को पहले देखें, तब ये अलग वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक। सबसे पहले क्या है कि जो हमको नंबर्स दिए गए हैं, इन सारे नंबर्स को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करेंगे। कौन सा फॉर्म? एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को बोलते हैं विस्तारित रूप में, ठीक। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म पे चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा? 20 + 8। ये कैसे होता है कि 8 की जो प्लेस है वो वंस है, और 2 की जो प्लेस है वो क्या है? टेंस है। इसकी प्लेस क्या है? वंस है। इसकी प्लेस क्या है? टेंस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 8 का 1 में मल्टीप्लाई 8 और 2 का 10 में मल्टीप्लाई 20, ठीक। इसी तरीके से हम सारा क्या है, सारे एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 40 + 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 + 8। यहाँ पे क्या होगा? 600। इसके बाद में 2 डिजिट है ना, तो 00 प्लस 90 + 9। फिर इसको किसमें तोड़ेंगे? 500 + यहाँ पे 0 + यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और ये अगर हम इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो ये ऐसे भी लिख सकता है। कैसे? 500 + 5, तब जाके 505 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 400 + 50 + 2। इसके बाद ये क्या हो जाएगा? 200 + 50 + 9। ये सारे किस में लिख गए? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख गए। इसको बोलते हैं विस्तारित रूप में लिखना, ठीक। ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा 600। इसके पीछे 3 डिजिट 1, 2, 3, इसी तरीके से 30 आ गए। प्लस 6 पे कितने 0? 20, 2 डिजिट बची इसके पीछे। फिर यहाँ पे 90 + 9। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 80 + 9, और ये क्या हो जाएगा? 80 + 4, ठीक। अब हम लोगों ने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखकर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि 20 जो 20 है, 20 से रोमन नंबर 20 को रोमन नंबर में हम कैसे लिखते हैं, ठीक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर ये दिया गया है, कैसे लिखेंगे? XX क्या होता है? 20। तो हम इसके नीचे यहाँ पर क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे यहाँ पर XX। किसका है? ये 20 का है, XX। इसके बाद कौन आया? 8 कहाँ है? ये 8 ये है, तो VIII। इसकी साइड पे क्या बना देंगे? VIII। तो ये हमारा क्या लिख गया? ये हमारा लिख गया 28। क्या लिख गया? 28। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर 20 की वजह से XX हो गया, और ये 8 है, तो ये VIII क्या हो गया? 8 हो गया। तो 20 + 8 बराबर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या है कि 40 कहाँ पर है? 40 आपको बताया था ना कि जो हमारे जो कपड़े आते हैं उनका जो साइज होता है वो XL, XXL ये होता है, तो XL जो होता है वो 40 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? XL से क्या आया? 40 आया। 5 क्या होता है? 5 जो होता है वो सिंगल वी होता है। सिंगल वी क्या होता है? 5। ये लिखा है, ये है सिंगल वी, इसी को बोलते हैं 5। तो ये हमारा क्या लिख दिया, लिख गया? ये लिख गया हमारा 45। क्या लिख गया? 45, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा आता है 38 को हम लोग ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म पे लिख चुके हैं। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले 30 जो होता है वो क्या होता है? XXX होता है। 10, 10, 10, ठीक। 10, 10, 10 तीनों को ऐड कर देंगे तो 30 आ जाएगा। और 8 क्या होगा? 8 होगा VIII, ठीक। 8 क्या होता है? 8 होता है VIII 8। तो ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया? 38। इसके बाद क्या आता? 699, इसको हम लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म पे लिख लिया। तो 600 का जो वो होती है रोमन नंबर वो क्या होता है? 600 का होता है DC। क्या होता है? DC, क्योंकि 500 का जब हमारा D है तो 500 पे 100 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 600। तो 600 का क्या हो जाएगा? 600 का हो जाएगा DC। क्या हो जाएगा? DC।
और 90 का क्या हो जाएगा, 90 को हम लोगों ने तो स्पेशली लर्न किया था SCCD, ठीक है, SCCD तो मैं 90 की लाया था, आप कितने की लाए हो, 400 की लाए हो, तो XC क्या था, 90 था, और हमारा जो CD था वो क्या था, 400 था, तो हमने यहाँ पर ये 90 की जगह पे क्या लिख देंगे, XC लिख देंगे, 90 की जगह पे क्या लिखा, XC लिखा, और जो 9 होता है, 9 की जगह 9 से क्या बनता है, IX होता है, इसको भी हम लोगों ने स्पेशली लर्न किया था कि IX क्या होता है, 9 होता है, और जो XI होता है वो 11 होता है, ठीक, XI 11 और IX 9, तो ये हमारा क्या लिख गया, ये हमारा लिख गया 699, क्या लिखा, 699। अब क्या है, अब हमारा ये 505 लिखा है, इसको भी हम लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म पे ऑलरेडी लिख लिया है, अब हमें इसको भी किसमें, रोमन नंबर पे लिखना है, तो 500 से क्या होता है, 500 से होता है डी, क्या होता है, 500 से होता है डी, और 5 से क्या होता है, 5 से सिंगल वी, तो डीवी जो होता है वो 505 का होता है, डीवी किसका होगा, 505 का। इसके बाद 452 को इस एक्सपेंडेड फॉर्म पे लिख चुके हैं, तो 400 का क्या होगा, 400 का होगा सीडी, क्या होगा सीडी, 400 का क्या हुआ सीडी, और 50 का क्या होता है, 50 का होता है एल, 50 का क्या होता है, 50 का होता है एल, यहाँ पर एल हो गया, और कौन बचा, 2 के यहाँ पे क्या लिख देंगे, डबल आई, तो ये हमारा कहीं का हो जाएगा, 452 का हो जाएगा, सी डी एल डबल आई किसका हो जाएगा, 452 का। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट में क्या है कि 200 लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 200, तो 200 का यहाँ पर क्या होगा, 200 का होगा सीसी, क्योंकि सी जो था वो 100 का था, और सीसी किसका हो जाएगा, 100 प्लस 100 200, और 100 प्लस 100 प्लस 100, अगर सी को ट्रिपल बार हम ऐड कर देते हैं तो 300 हो जाता है, तो हमें 200 की जरूरत है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीसी ये लिखा हुआ है, तो सीसी, और 50 का क्या होगा, 50 का हो जाएगा हमारा एल, और 9 का क्या होगा, 9 का हो जाएगा हमारा IX, ठीक, तो ये हमारा किसका लिख गया, 259 को हमने किसमें चेंज कर दिया, रोमन नंबर में चेंज कर दिया, ठीक, तो 28 का रोमन नंबर XXVIII, 45 का क्या हो जाएगा XLV, 38 का क्या हो जाएगा XXVIII, 699 का क्या हो जाएगा, 69 का हो जाएगा DCXCIX, और 505 का क्या हो जाएगा, DV हो जाएगा, 452 का क्या हो जाएगा, CDLII हो जाएगा, 259 का क्या होगा, CCLIX होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक, कुछ नहीं है, बस इसको देखना है और यहाँ पर हमको रखना है, यहाँ की वैल्यू देखनी है कि हम मेरी कौन सी आ रही है, यहाँ वैल्यू देखो बस, उसका रोमन जो नंबर है वो यहाँ पर लिख देना है और कुछ नहीं करना है, बाकी सिंपल है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा है, 6699, तो इसको हम लोगों ने इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म पे लिख लिया है, तो जो 6000 होता है इसको हम लोग रोमन में कैसे लिखते हैं, 6000 को लिखते हैं, पहले 6 लिख देते हैं, 6 लिख दिया, VI 6 होता है, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। फिर क्या आता है, 600 हमारा क्या है, ये 6000 था, कहाँ गया, ये हमारा 6000 है VI, और उसके ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। फिर इसके बाद हमारा 600 क्या होगा, 600 हमारा होगा DC, क्या हो जाएगा, DC 600, क्योंकि D हमारा 500 है, और 500 पे जब हम 100 को ऐड कर देते हैं तो हमारा 600 हो जाता है, 600 क्या है, DC। अब इसके बाद में 90 कौन सी थी, 90 था SCAC, इसको अच्छी तरीके से लर्न करना है, SCAC, तो सीडी, तो यहाँ पर XC, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा, 90 का क्या हो जाएगा, 90 का XC, और 9 का क्या होगा, IX होगा, ठीक, 9 का क्या हो जाएगा, IX, तो ये हमारा 6699 को हम लोगों ने किसमें, रोमन नंबर में लिख लिया, ठीक। अब इसके बाद में कौन आता है, 89 को इसमें चेंज कर लिया एक्सपेंडेड फॉर्म पे, तो यहाँ पर 80 का क्या हो जाएगा, 80 का हो जाएगा L XXX,
80 का क्या हो जाएगा एल ट्रिपल एक्स और 9 का क्या होगा, 9 का होगा आई एक्स, ठीक 9 का क्या हो जाएगा आई एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 89 को हम लोगों ने किसमें रोमन नंबर पे चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट आता है 84, क्या आया 84, हमको 80 इसमें ढूंढना है, 80 ले लो, ये 80 ये मिल गया एल ट्रिपल एक्स, 80 क्या मिल गया एल ट्रिपल एक्स, 80 मिल गया प्लस 4, 4 का क्या होता है 4 आई वी होता है, 4 कौन होता है आई वी, तो ये हमारा क्या लिख गया 84 लिख गया। ठीक, आप लोगों कुछ नंबर से अपने आप से लिखिएगा और उसको रिवाइज करिएगा, ये वाला वीडियो पिछला वाला वीडियो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।